नमस्कार, मैं वारिस खान हमारे कार्यक्रम पड़ताल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने बताया था कि खरगोन बड़वानी लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर गोविंद मुजालदा ने, जो पहले डॉक्टर थे पर शायद अब समाज सेवा के चलते वो अपने आप को डॉक्टर नहीं मानते, खैर छोड़िए, हम बात कर रहे हैं उनके नामांकन फार्म की जो उन्होंने शपथ पत्र के साथ दाखिल किया था। हमने बताया था कि इसमें कुछ कमियाँ रह गई जिसके चलते शायद उनका फार्म निरस्त भी हो सकता है। इस फार्म के पेज नंबर 2 पर डॉक्टर मुजालदा जी ने अपने स्थायी लेखा ब्यूरो और आयकर विवरणी दी है, जिसमें उन्होंने सबसे पहली लाइन में लिखा है कि वह वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है, जिसमें पिछले 5 वित्तीय वर्षों का आयकर विवरण भी दर्शाया है। इस मामले में विषय विशेषज्ञ चार्टर्ड अकाउंटेंट रुपेश कुमार मोहदे से इस पूरे मामले में जानना चाहा, तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद ही देखिए। एक्चुअली इसमें जो 18-19 दिया हुआ है, क्योंकि 18-19 इसमें वित्तीय वर्ष लिखा हुआ है और ये निर्धारण वर्ष की आय हो सकती है, क्योंकि जैसे अपने इनके विधानसभा चुनाव का नामांकन पत्र देखा उसमें भी 18-19 में 22-32 दी हुई है, क्योंकि जब तो 18-19 फाइनेंशियल ईयर में मतलब उसका असेसमेंट तो हुआ नहीं था और ये यहाँ पे वित्तीय वर्ष लिखा हुआ है, जो कि शायद बायस थे उनसे इसमें गलत पुटअप हो गया है। ये वित्तीय वर्ष होने के लिए यहाँ पर 17-18 लिखना चाहिए था, क्योंकि हम ये मान सकते हैं कि आज की तारीख में रिटर्न आ चुके हैं उनके, उन्होंने VRS लिया है तो सैलरी वाले रिटर्न तो गवर्नमेंट के पोर्टल पर आ भी चुके हैं, तो अगर हम इसको इस साल रिगार्डिंग देखें तो ये मान सकते हैं कि 18-19 नहीं लिखा हुआ है, पर चूंकि विधानसभा चुनाव में जो नवंबर में होता है जब का जो नामांकन भरा हुआ है उसमें भी अगर यही फिगर है तो ये बाय मिस्टेक 17-18 होना चाहिए था और यहाँ पे वित्तीय वर्ष लिखा है, बट ये असेसमेंट ईयर 18-19 की डिटेल से जो बाय मिस्टेक यहाँ पे वित्तीय वर्ष लिखा हुआ है और वित्तीय वर्ष अगर फॉर्म में लिखा हुआ है तो इनको यहाँ पे 17-18 लिख के 22-32 की इनकम जस्टिफाई करनी चाहिए थी। तो आपको क्या लगता है कि जो जानकारी दी गई ये सत्य है या असत्य है? विधानसभा चुनाव के नामांकन को देखते हुए अगर देखने जाएंगे तो ये जानकारी बाय मिस्टेक गलत हो चुकी है, बट अगर वो देखने के बाद हम ये कह सकते हैं, अगर वो नहीं देखते तो हम ये भी बोल सकते थे कि 18-19 अब तो सैलरी के रिटर्न आ चुके हैं, चूंकि उन्होंने VRS लिया है तो सैलरी रिटर्न तो पुट अप हो ही सकते थे। ये सैलरी रिटर्न भरने की अंतिम तारीख क्या रहती है? तारीख तो 31 जुलाई है बाय डिफॉल्ट, अगर गवर्नमेंट कोई डेट एक्सटेंड ना करे तो। 2018-19 का उन्होंने यहाँ लिखा है तो फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की डेट तो अभी 31 जुलाई 2019 रहेगी। आप हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि फाइनेंशियल ईयर और जो आप बता रहे हैं, चूंकि इनकम टैक्स में दो तरह के ईयर्स होते हैं, एक तो फाइनेंशियल ईयर एक असेसमेंट ईयर। फाइनेंशियल ईयर जैसे 18-19 हुआ ये वित्तीय वर्ष हो गया और इसका नेक्स्ट वर्ष होता है निर्धारण वर्ष, जिसमें हम इस वित्तीय वर्ष की इनकम को मतलब इनकम कैलकुलेट करेंगे, उस पर क्या टैक्स एफडी बनती है उसका टैक्स पुटअप करेंगे। ये असेसमेंट ईयर में होता है, फाइनेंशियल ईयर की इनकम नेक्स्ट ईयर में असेस होती है, चूंकि 18-19 की इनकम 19-20 में असेस होगी, तो जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर 18-19 कंप्लीट हुआ है 31 मार्च 2019 को, अब इसकी इनकम असेसमेंट ईयर 19-20 में असेस होगी और उसका हम रिटर्न पुटअप करेंगे, तो जैसे 18-19 जो भी खत्म हुआ इसका रिटर्न जब हम पुटअप करेंगे तो असेसमेंट ईयर 19-20 होगा। फाइनेंशियल ईयर 18-19 का असेसमेंट ईयर 19-20 होता है, चूंकि यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 18-19 लिखा है और अभी हम 18-19 का इनका रिटर्न अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है ये जानकारी हमें नहीं है, पर चूंकि विधानसभा के जो नामांकन अपन ने देखा, आपने जो हमें बताया प्रस्तुत किया हमारे सामने, उसमें भी 18-19 में इनकम 22,32,070 रुपये ही लिखी हुई है, तो उस समय तो इसकी इनकम मतलब इस वाले पार्ट पे इनकम करेक्ट नहीं थी, या अगर अपन कहना चाहें तो उस समय अगर ये इनकम दी हुई है तो ये फाइनेंशियल ईयर की बजाय रिगार्डिंग असेसमेंट ईयर था, तो ये फाइनेंशियल ईयर ना पढ़ते हुए अगर इसको असेसमेंट ईयर हम पढ़ते हैं तो ये इनकम जस्टिफाई है, पर चूंकि इस पेपर में वित्तीय वर्ष लिखा हुआ है तो फाइनेंशियल ईयर की इनकम आनी चाहिए थी, इस वजह से यहाँ पे 17-18 आना चाहिए था ना कि 18-19। निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार जब कोई भी व्यक्ति नामांकन फार्म जमा करता है तो उस फार्म में किसी भी कॉलम को खाली नहीं छोड़ा जा सकता, पर गोविंद मुजालदे जी ने इस फार्म में बहुत से कॉलमों को खाली छोड़ दिया है, खैर ये जांच का विषय है। अब हम बात कर रहे हैं पेज नंबर 9 की, जिस पर कॉलम नंबर 6 में गोविंद मुजालदा जी ने रोनाल्ड डस्टर कार 2013 जिसका रजिस्ट्रेशन MP09CP08022 है और एक होंडा एक्टिवा जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर MP09Y0368 मॉडल 2015 दर्शाया है। अब गाड़ी ली है तो रजिस्ट्रेशन भी किया होगा, पर रजिस्ट्रेशन तो इंदौर के एड्रेस से किया हुआ है। एमपी ट्रांसपोर्ट की साइट पर एड्रेस सर्च किया तो पाया कि उसमें उस इंदौर के एड्रेस का अपना परमानेंट एड्रेस बताया है और उस एड्रेस का कोई भी विवरण मुजालदा जी ने अपने इस फार्म में नहीं दिया है। इस बात पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रकाश भावसा ने क्या कहा, आइए सुनते उन्हीं से। लेकिन मेरे ध्यान में भी आया है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं डॉक्टर मुजालदा जी,
उनके द्वारा जो नाम निर्देशन पत्र जमा किया गया है उसमें कई विसंगतियाँ हमको देखने को मिली है। निर्वाचन आयोग के निर्देश है कि जो फार्म आप भर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, उसमें कोई भी कॉलम खाली नहीं होना चाहिए, लेकिन देखने में आया है कि डॉक्टर मुजालदा जी ने जो नाम निर्देशन पत्र जमा किया है उसमें कई कॉलम खाली छोड़ रखे हैं। तो स्पष्ट है कि उनके फार्मों में काफ़ी त्रुटियां हैं और लगता है कि इन त्रुटियों के आधार पर उनका नामांकन निरस्त होना चाहिए। उन्होंने दो गाड़ियों का हवाला दिया है, एक कार है और एक एक्टिवा गाड़ी है। उसमें जो रजिस्ट्रेशन उन्होंने करवाया वो इंदौर RTO के माध्यम से है और उन्होंने उसमें परमानेंट एड्रेस भी इंदौर का ही दिया हुआ है, जबकि डॉक्टर मुजालदा जी जिस दौरान गाड़ी खरीदी गई उस दौरान खरगोन शासकीय अस्पताल में, जिला अस्पताल में सेवारत थे। तो इसका अर्थ ये लगाया जा कि जब वो इंदौर में उनका निवास है तो वो खरगोन की नौकरी उन्होंने अप डाउन करके की होगी, इसका सीधा अर्थ ये होता है, या फिर उन्होंने जो एड्रेस दिया है वो इंदौर का गलत दिया है, क्योंकि वो खरगोन में निवास करते थे तो उन्होंने RTO को गुमराह किया है। इसी प्रकार उन्होंने एक जो सोनोग्राफी मशीन खरीदी करीब 20 लाख रुपए की, उसका भी ब्यौरा दिया है लेकिन वो कब खरीदी गई इसका कोई उल्लेख नहीं है। जब यदि उन्होंने शासकीय सेवा में रहते हुए ये मशीन खरीदी है तो इसकी विधिवत उन्होंने अनुमति ली या नहीं ली इसका भी कोई उल्लेख नहीं है। तो ऐसी उसमें त्रुटियाँ हैं, ऐसी और संपत्ति का भी उन्होंने जो खुलासा किया है उसमें भी हम देख रहे हैं कि उनका जो पिछले जो एफिडेविट दिया था विधानसभा चुनाव के दौरान और अभी जो लोकसभा चुनाव में जो उन्होंने एफिडेविट दिया है उसमें काफ़ी अंतर विरोध दिख रहा है। तो हम अब इसमें हमारे जो विधि विशेषज्ञ है वो इसका अध्ययन कर रहे हैं और वो अब इसका निर्वाचन में आपत्ति दर्ज कराएंगे। डॉक्टर मुजालदा जी ने अपनी इसी फर्म के कॉलम नंबर 8 पर एक सोनोग्राफी मशीन को क्रय करना बताया जिसकी कीमत 20 लाख रुपए दर्शाई है, पर यह मशीन कब खरीदी इसका कोई भी आय व्यय का विवरण हमें तो नज़र नहीं आया। इस पूरे मामले को भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बना लिया। आइए सुनते हैं बीजेपी के ही रंजीत दंडीर ने क्या कहा और क्या क्या आरोप लगाए हैं उन पर। मुझे जानकारी मिली है, मैंने पूरा फार्म देखा है और जिस तरह की जानकारी अन्य माध्यमों से मिली है उस जानकारी के आधार मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब ने इतने योग्य और सुशिक्षित होने के बाद भी और जिस तरह से फार्म भरा है और उसमें गलतियाँ की, खास करके उनकी गाड़ी ली है तो गाड़ी का एड्रेस उन्होंने MP09 से दिया है और एड्रेस उन्हें गाड़ी MP09 के नाम से तय हुई, इसका मतलब इंदौर के रहवासी हैं। अगर इंदौर के वो रहने वाले हैं तो उन्होंने अपना एड्रेस में एड्रेस देना था उसमें, अगर एड्रेस देना था तो इसका मतलब मकान है उनको वहाँ पर, और मकान होने के बाद मकान का पता देना चाहिए। जो जानकारियाँ अगर छुपाई गई तो ये वास्तव में दुखदाई है और इस तरह की जानकारी छुपाना वास्तव में मुझे लगता है कि प्रशासन ने इस बारे में चिंता करना चाहिए और फार्म रिजेक्ट होना चाहिए। दूसरी जो जानकारियाँ मुझे देखने में मिली उसमें खास करके जो 00 कॉलम भरना चाहिए, किसी भी कॉलम को खाली छोड़ने की प्रशासन ने मनाई की है और चुनाव आयोग द्वारा निर्देश दिए गए, चुनाव के निर्देशों का पालन न करते हुए और खाली छोड़ दिए गए स्थानों को 0 लिखकर या खाली इस पर जो भी उसमें लिखना था मगर खाली छोड़ना, ये एक तरह से चुनाव आयोग के निर्देश आचार संहिता के निर्देशों का भी और चुनाव आयोग के फार्म भरने के निर्देशों का भी पालन नहीं किया गया है। इस आधार पर भी इनका फॉर्म रिजेक्ट होना चाहिए। एक शिक्षित डॉक्टर द्वारा इस तरह की लापरवाही और इसको निश्चित रूप से प्रशासन नज़रअंदाज नहीं करेगा और इन दोनों तीनों लापरवाहियों को लेकर जो घटना जो कुछ हुआ है इसमें फार्म में और शपथ दिए लिए उन्होंने, अगर शपथ लेने के बाद कोई झूठ बोलना, फार्म में कुछ कही गई चाही गई जानकारियों को नहीं लिखना, ये अपने आप में निश्चित रूप से बहुत बड़ी घटना है और इस घटना के ऊपर अंजाम लेकर इस फार्म को रिजेक्ट करना चाहिए। आप लोग क्या करेंगे? नहीं, हम भी इस पर आपत्ति लेंगे, निश्चित रूप से आपत्ति लेंगे। 29 जब 30 तारीख को इन फार्मों की जांच होगी तो इन फार्म पे जांच में हम आपत्ति लेंगे और इन सब फार्मों को हम भी देखेंगे कि इस तरह की गलतियां की है, तो स्वाभाविक रूप से हमें पूरा विश्वास है कि प्रशासन इन मामले में कार्रवाई करेगा और इनके फार्म को रिजेक्ट करेगा। क्या सुनना हम? रणजीत सिंह डंडीर, लोकसभा का संयोजक, भारतीय जनता पार्टी। हम आपको बता दें कि गोविंद मुजालदा जी ने यह नामांकन फार्म जो दाखिल किया है उसके पेज नंबर 17 पर खुद ने सत्यापन किया है कि शपथ पत्र की विषय वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भी भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छुपाया गया है और यह घोषणा मैं खुद करता हूँ। और ऐसा ही एक शपथ पत्र गोविंद मुजालदा ने, जो उस वक्त डॉक्टर थे, 9 नवंबर को भगवानपुरा विधानसभा 186 में निर्वाचन के लिए प्रस्तुत किया था। हमारे अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि उस शपथ पत्र और इस शपथ पत्र में क्या क्या और कौन कौन सी बातें बदल चुकी हैं।
जो एक बड़ा खुलासा रहेगा। तो जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए हमारे चैनल को। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।